तो की हाल चाल, सत श्री अकाल। एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के समक्ष एक और नई वीडियो लेके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्या लॉन्च हुआ है। जी हाँ देवियों सज्जनों, आज हम लोग बात करने वाले हैं PS2 और PS5 के बारे में, जो लीप आया है। आपने सही चैनल को ट्यून इन किया। अंत भला तो सब भला, बट यहाँ पे जो अंत इन्होंने किया है वो सही तरीके से नहीं किया। इन्होंने प्राइस बताई ही नहीं। या आपकी जेब काटेगी या आपको काटेगी। चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, कटता कंज्यूमर का ही है। अनएक्सपेक्टेड डिजाइन आया। प्लेस्टेशन 5 के बारे में आज हर कोई बात कर रहा। तो देवियों सज्जनों, दिल थाम के बैठ जाइए कि हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं PS2 को, आपका चहेता PS2। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 9 पिन का कनेक्टर आता है और USB तो है ये, खैर। और ये रहा इसका मेमोरी स्लॉट। क्या लंबा तार आता था यार। ये रहा वो कनेक्टर, डब्बा किसी और का, CD किसी और की, चलता। लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि वो सीधा खड़ा होगा, लेटेगा नहीं। पोजीशन आप डिसाइड करेंगे। प्राइस बताई नहीं उन लोगों ने। यहाँ पे PUBG PC में कॉन्स्टेंट 120 FPS नहीं मिल रहे, वहाँ पे सोनी वाले 8K और 4K में 120 हर्ट्ज दे रहे हैं। जिस हिसाब से AMD प्रोसेसर बना रहा है और उसकी प्राइस कट कर रहा है, भाई ये कहाँ जाके रुकेगा ना, कुछ नहीं कह सकते। बट उसकी वजह से PC कम्युनिटी को बहुत फायदा होने वाला है। भैया सोनी वालों ने एक इवेंट रखा, मस्त शानदार इवेंट था, क्या गेम्स बताए। बट उसमें उन्होंने एक गलती कर दी, 1080p 30 FPS पे स्ट्रीम कर दी। नहीं करना था ना, जैसे कोई अनाउंसमेंट होता है ना लोग पहले आ जाते हैं। अबे ये तो सीधा खड़ा होगा। मतलब ऐसी डिजाइन की प्रेजेंटेशन मैंने नहीं देखी भाई साहब। कर्व्स के अंदर से कैमरा जो निकल रहा है, आय हाय। PS5 में 2 एडिशन आने वाले हैं, जिसमें से एक होगा ड्राइव एडिशन और एक होगा डिजिटल एडिशन। डिजिटल एडिशन में तो ये है कि सारे जो गेम्स होंगे वो आपके क्लाउड सर्वर पे स्टोर होंगे। बट जो ड्राइव एडिशन है उसकी जो डिजाइन थी, इन्होंने थोड़ा सा मोटा कर दिया साइड से, क्योंकि सुनने में आया है कि वो चाह रहे हैं कि आप डिजिटल पे शिफ्ट हो जाए, जो कि ऑब्वियसली उनको भी अच्छा खासा रेवेन्यू देगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि PS4 के 4000 गेम्स तक को ये सपोर्ट करेगा। तो भाई एक अच्छी खासी लाइब्रेरी है लोगों के पास PS4 में गेम्स की। और डेफिनेटली जो डिजिटल वर्जन होने वाला है वो ड्राइव वर्जन से सस्ता होने वाला है। चाचा ऐसे ना किया करो यार। तो हम लोग बात कर सकते हैं, मेरे पास अनबॉक्सिंग के लिए आएगा नहीं। अब जब आप इसकी डिजाइन देखेंगे तो ऊपर से इसमें वेंट्स दिए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस लेवल के टाइटल्स ये खिलाने वाला है, क्या PS4 से लेके PS5 में इतना डिफरेंस है। कहने में ही आ रहा है कि इसमें रे ट्रेसिंग है, जो कि ऑब्वियसली एनवीडिया ग्राफिक कार्ड में, जो कि आजकल आपको दिखती है RTX 2060 से लेके RTX 2080 Ti तक, जो कि रियलिस्टिक शैडोज, रिफ्लेक्शंस और इसको इंप्रूव करेगा। देखो अब आ जाते हैं एसेसरीज पे, साइड के काम पे। अगर आप सिंपल पान लेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा। वही चीज इसके साथ भी है। अब इसमें एसेसरीज हैं, DualSense चार्जिंग स्टेशन है, एक HD कैमरा है, पल्स 3D वायरलेस हेडसेट है और एक मीडिया रिमोट है। पल्स 3D वायरलेस हेडसेट है, जो कि स्टील सीरीज का एक काइंड ऑफ एक रेप्लिका है। भैया जिस हिसाब से ये साल जा रहा है ना, 2020 के एंड में ये लॉन्च हो जाए, या अगर 2020 में नहीं करना ना तो 2021 में कर दो। खैर भविष्यवाणी तो ये भी हुई थी कि 2020 एकदम शानदार साल जाएगा। अभी तक PS5 की कुछ ऐसी बातें निकल कर नहीं आई है कि इसमें ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सोनी ने क्या छलांग मारी है ना भाई साहब, सबके मुंह बंद हो चुके हैं। क्या छोटे क्या बोल रहा था। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो 8 कोर का प्रोसेसर है, AMD Zen 2 CPU और AMD का GPU है, जो कि RDNA 2 पे बेस्ड है। तो भैया कान खोल के सुन लीजिए, AMD आपको क्या दे रहा है PS5 में। कस्टम AMD चिप जो है वो आपको 10.28 टेराफ्लॉप्स की पावर देगी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज GPU और CPU पे। मैं बस यही इंतजार कर रहा हूँ कि SSD अब उस रेट पे मिलना चालू हो जाए जिस रेट पे 1 TB के हार्ड ड्राइव मिलती है। PlayStation 5 में जो SSD लगी हुई है वो आपको 825 GB की स्टोरेज देगी, जहाँ पे हम लोग अभी भी मेगाबाइट्स में बात करते हैं, ये भाई साहब 5.5 GB पर सेकंड की हिसाब से परफॉर्मेंस आपको देगा। क्या स्पीड से रीड और राइट होगा ना, आय हाय हाय। और दूसरी बात, एपिक गेम्स वाले, वही फोर्टनाइट जो बनाते हैं, जिन्होंने अभी GTA 5 फ्री किया था, हाँ वही, उन्होंने अनरियल 5 का डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया। जब एपिक गेम्स है तो कहीं और क्यों जाना। और PS5 जो है वो सपोर्ट करेगा 8K को, 4K को, 120 हर्ट्ज पे। भैया अलग से स्टूडियो बनेगा खाली PS5 के लिए। अब कंट्रोलर्स में कई सारे फीचर्स हैं, अडैप्टिव ट्रिगर्स है, हैप्टिक फीडबैक है, और सारी एसेसरीज इसकी मिला के चांसेस हैं कि इसकी जो प्राइस है
वो लगभग आएगी आपको 800-900 डॉलर्स के आसपास। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात ये हो रही है कि भाई इसके डायमेंशंस तो आपने कहीं शेयर किए नहीं। जितने भी लीक्स आए हैं ऑनलाइन उसमें ये पता लगा है कि ये सबसे बड़ा वाला होगा, सबसे बड़ा और सबसे पतला है। सोनी वाले समझे, एप्पल वाले नहीं समझेंगे। अब जब इन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि 2020 के एंड में आ जाएगा, वेट करते हैं। और कमेंट कर दिया करो, शर्माया मत करो, खाली लाइक मत किया करो, कमेंट करो, एंगेजमेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दैट। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।